सीरियल्स की सतरंगी दुनिया ही अलग है। अब हमारी सनाया ईरानी को ही ले लो, जो आजकल बड़ी डिमांड में है। दर्शक इस प्यार को क्या नाम दूं थ्री में सनाया के बगैर शो देखने से ही परहेज कर रहे हैं। उन्हें तो बस खुशी कुमारी गुप्ता ही चाहिए, जो वरुण सोबती के अपोजिट IPKKND3 में फिर से आ जाए। लेकिन क्या आपको पता है, आप सबकी फेवरेट सनाया ईरानी कई बार रिजेक्ट भी की जा चुकी है। तो हम आपको 5 ऐसे सीरियल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें से सनाया ईरानी को रिजेक्ट किया गया था और उनकी जगह किसी दूसरी एक्ट्रेस को लिया गया था। आप कतई बिलीव नहीं करेंगे कि स्टार प्लस के शो प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में पंखुड़ी के किरदार के लिए सनाया ने भी ऑडिशन दिया था, मगर सनाया सिलेक्ट नहीं हो पाई और बाद में दिशा परमार ने पंखुड़ी का रोल अदा किया। इसी तरह सजदा तेरे प्यार में सीरियल में आलिया हसन के लिए भी सनाया ईरानी ने अप्रोच किया था, मगर सनाया रिजेक्ट कर दी गई और बाद में देवलीना चटर्जी ने आलिया का किरदार निभाया। शायद आपको भरोसा ना हो, मगर सीरियल ब्याह हमारी बहू का में रजनी बाला का किरदार सनाया करना चाहती थी, मगर शो के मेकर्स ने सनाया की जगह श्रेणु पारिक को रजनी बाला के तौर पर ज्यादा पसंद किया। वहीं सतरंगी ससुराल में आरुषि के रोल के लिए सनाया ने काफी जोर आजमाइश की थी। मेकर्स ने ऑडिशन भी लिया, मगर सनाया किरदार में फिट नहीं बैठी और बाद में मुग्धा चापेकर को आरुषि का रोल ऑफर हुआ। वहीं शो बे इंतहा में आलिया के किरदार के लिए सनाया ने काफी हाथ पैर मारे थे, मगर शो के मेकर्स को सनाया की जगह आलिया के किरदार में प्रीतिका राव ज्यादा जची और इस तरह सनाया एक एक कर 5 सीरियल से रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन राइट नाउ तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। सनाया ईरानी ही इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है और ऑडियंस दिल से चाहती है कि सनाया ही IPKKND3 में मेल लीड करे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।